सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपको YouTube हैंडल का मेल नहीं आया या फिर दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल में जो नोटिफिकेशन आता है YouTube हैंडल का वो नहीं आया या फिर दोस्तों आपको YT स्टूडियो में YouTube हैंडल का नोटिफिकेशन नहीं आया तो अपने YouTube चैनल में YouTube हैंडल कैसे ला सकते हैं और दोस्तों अपने YouTube हैंडल लाने के बाद अपने मन चाहे YouTube हैंडल कैसे बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसका भी YouTube हैंडल आ चुका है उस YouTube हैंडल को कैसे आप अपने च्वाइस के हिसाब से यहाँ पे YouTube हैंडल बना सकते हैं मैं उसके वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ, आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट करके अपने YouTube हैंडल बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये मैं बताऊँगा जिसका YouTube हैंडल नहीं आया है, ईमेल नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अपने YouTube हैंडल को कैसे ला सकते हैं और अपने YouTube हैंडल को कैसे आप बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल के क्रोम को ओपन कर लेना है। उससे पहले दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपने YouTube का जो एप्लीकेशन है उसमें उसी YouTube चैनल को साइन इन करना है जिस YouTube चैनल में आप अपने YouTube हैंडल को बनाना चाहते हैं और दोस्तों अपने क्रोम ब्राउजर में भी उसी जीमेल को ओपन करना जिस ईमेल में आप अपने यूट्यूब हैंडल को बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों में इसी को ओपन करना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है, क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है, सबसे पहले आपको सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च क्या करना है, youtube.com/handle, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं youtube.com/handle मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HANDLE हैंडल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों इसको करना क्या है, नीचे में सर्च का ऑप्शन, सर्च के आइकन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टू क्लेम योर हैंडल प्लीज़ विजिट द YouTube ऐप। यहाँ पे दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला YouTube एप्लीकेशन में उसी YouTube चैनल को साइन इन करना है जिसमें आप YouTube हैंडल बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ओपन ऐप लिखा हुआ है, ओपन ऐप पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जिसका भी मेल नहीं आया YouTube हैंडल का वो आप इस तरह से अपने YouTube हैंडल को बना सकते हैं और जिसका मेल आया हुआ है वो तो दोस्तों आप ऑलरेडी अपने जीमेल के हिसाब से बना सकते हैं, पर दोस्तों जिसका मेल नहीं आया हुआ है तो आप इस तरह से बनाएं जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ओपन ऐप पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टेक्नो क्रेडिट करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा है चूज योर हैंडल, यहाँ पे मेरा आ चुका है चूज योर हैंडल, इसका मेल मुझे नहीं आया था और दोस्तों मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप अपने हैंडल को चूज कीजिए। अब दोस्तों जिस किसी किसी का यहाँ पे क्या होता है कि कमिंग सून लिखेगा, तो दोस्तों आपको वेट करना है, कुछ दिन में आपका यहाँ पर हैंडल आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। अगर मेल नहीं आता तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज योर हैंडल का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों अपने हैंडल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे चूज हैंडल पे क्लिक करेंगे। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे अपने YouTube हैंडल को बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे चूज हैंडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, तो आपको करना क्या है, चूज हैंडल पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों चूज हैंडल पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ऊपर में टेक्नो क्रेडिट का लोगो आ गया और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम आ चुका है। अब दोस्तों नीचे में हैंडल लिखा हुआ और दोस्तों एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नो क्रेडिट। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको भी मैं अपना यूट्यूब चैनल का हैंडल बना सकता हूँ ये अपने YouTube चैनल के नाम के हिसाब से। ठीक है, अगर दोस्तों आप अपने YouTube चैनल के नाम से ही नहीं बनाना चाहते हैं और कुछ और नाम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अपने नाम के हिसाब से जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसा ही दोस्तों मैं यहाँ पे नाम के हिसाब से रखना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम रख देता हूँ यहाँ पर राहुल कुमार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अपने यहाँ पे YouTube हैंडल बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं नहीं रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अपना जो YouTube चैनल है उसी के हिसाब से रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्नो क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे में कन्फर्म सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे में कन्फर्म सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते मेरा YouTube हैंडल यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं @ टेक्नो क्रेडिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों मेरा URL क्या बना हुआ है, youtube.com/@ टेक्नो क्रेडिट यहाँ पे मेरा बन चुका है।
कि YouTube हैंडल का यहाँ पे URL भी मेरा बन चुका है और दोस्तों YouTube हैंडल भी यहाँ पे मेरा बन चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुल्ली सिलेक्शन योर हैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे YouTube हैंडल बन चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या, नीचे में गो इट का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया कि आपका YouTube हैंडल ये है। और दोस्तों अगर आप YouTube हैंडल को चेंज करना चाहते हैं, चेंज हैंडल पर क्लिक करके अपना YouTube हैंडल चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर एडिशनल URL, यहाँ पे चैनल URL, यहाँ पे बताया गया कि youtube.com/@technocredit, यहाँ पे मेरा URL YouTube चैनल का यही होगा। दोस्तों YouTube हैंडल बनाने से क्या होता है कि अगर आपके नाम, आपके चैनल के नाम से अगर आप अपने YouTube हैंडल को बना लेते हैं तो आपका YouTube चैनल का हैंडल कोई चुरा नहीं सकता, YouTube चैनल को कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपने YouTube हैंडल को बना सकते हैं अगर आपके पास मेल नहीं आया तो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।